मैं अपनी वर्दी पहनकर तैयार हुई और उसके बाद जैसे ड्यूटी पर जाने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा मेरे पैरों पर कुछ लिपटा हुआ है। और जब मेरी नजरें पैरों पर गई तो देखा मेरे पैरों पर साफ लिपटा हुआ है। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उछल कूद करते हुए पैरों को झटका तो लिपटा हुआ सांप भाग कर लकड़ियों के ढेर पर चला गया। तब जाकर जान में जान आई। इसके बाद मैंने सर्प विशेषज्ञ को कॉल किया। उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद सर्प का रेस्क्यू कर उसे पकड़ा। यह बात आप बीती बताई है। मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ महिला आरक्षक ने जो कि ड्यूटी पर जाने के लिए जैसे ही घर पर निकली तो उसके पैरों में सांप लिपट गया। घटना तिलवारा के पास की है जहां वहां रहने वाली एक महिला पुलिस आरक्षक जैसे ही अपने घर पर से बाहर निकली तो दरवाजे पर 3 फीट लंबा सांप बैठा हुआ था। महिला पुलिस आरक्षक को देखते ही सांप उसके पैरों पर लिपट गया। जैसे ही पुलिस आरक्षक ने सांप को देखा तो उसके होश उड़ गए। महिला पुलिस आरक्षक ने उछल कूद करते हुए सांप को झिटक दिया। इसके बाद सांप लकड़ी की ढेर में जाकर छुपा हुआ। बदहवास हालत में महिला पुलिस आरक्षक ने तुरंत ही सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर सर्प विशेषज्ञ ने सांप का रेस्क्यू करते हुए पकड़ा। सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने बताया कि महिला पुलिस आरक्षक के पैरों में जो सांप लिपटा था वह जहरीला नहीं लेकिन वह बहुत शक्तिशाली होता है। उन्होंने बताया कि अगर यह सांप किसी के पैरों में पकड़ ले तो वह फिर आसानी से उसे छोड़ता नहीं है। सांप का रेस्क्यू करने के बाद उसे बरगी के जंगल में छोड़ दिया गया। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि सांप का नाम कील बैक स्नेक के नाम से जाना जाता है, यह जहरीला नहीं होता है। सर विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने सांप का रेस्क्यू कर उसे पकड़ा और फिर जंगल में छोड़ दिया। तो जैसे ही मैं निकली थोड़ा सा बाहर गई तो मेरे पैर में ऐसे कुछ लपटा हुआ सा दिखा। मैं बोली ये क्या है, तो देखा तो वो सांप था। फिर सर्प विशेषज्ञ को बुलाया तो फिर अंकल आए तो उन्होंने पकड़ा है।